अस्सलाम वालेकुम, ये भाई मेरे लिए एक तोहफा लिख रहे हैं और इसके बारे में मुझे बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ऑल ऑफ अस लिसन टू दिस। ये एक बहुत ही खूबसूरत, ये किसने किया करेंगे आपको आर्टिस्ट का पता? जुबैर आपके जाने वाले हैं? अच्छा, उधर से खोलिएगा। माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं। अब ये क्या अल्फाज हैं ये भाई आपको बताएंगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैंने ससुर अभी के लिए खाली खरीदा है और इस पे जो कलिमात अवेज़ा है उनके बारे में चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें सुबहानल्लाह व बिहम्दिही ये कलिमात दर्ज हैं और ये हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस में ये कलिमात मिलते हैं। अब हर इंडिविजुअल को चाहिए कि इन कलिमात पे गौर करे क्योंकि इनके अंदर अल्लाह ताला की तकदीस बयान की गई है। इस तरह के पहले कलमा के अंदर सुबहानअल्लाह, अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह ताला को हर किस्म के नकायस से अयूब से पाक करना, और इंसान जब अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात में गौर व फ़िक्र करता है जो कि मतलूब है, और अल्लाह ताला के नामों पे जितना हम गौर करेंगे और अल्लाह के जो अच्छे अच्छे नाम हैं अस्माउल हुस्ना उनके मानी और मफाहीम पे जिस कदर हम गौर व खोज करेंगे उतना हमारी शख्सियत पर उसका असर होगा। अल्लाह ताला बसीर हैं और अल्लाह ताला कदीर हैं, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की बसारत, अल्लाह का इल्म, बैसियत कौम, बैसियत इंडिविजुअल, अल्लाह के जो नाम हैं उनके बारे में हमें इल्म हासिल करना चाहिए, उनमें हमें फहम हासिल करना चाहिए और अल्लाह के नामों के जो मानी और मफाहीम हैं उनको समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इस वीडियो का मकसद ये है कि ये भाई इतनी दूर से मियाँ चन्नू से आए और ज़ुबैर भाई ने इतनी खूबसूरत बनाई। हमारा मकसद ये है कि सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये दो कलमात जो हैं ये आपने पढ़ने हैं और इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इन कलमात की इतनी बरकत है कि अल्लाह ताला आपके इंशाल्लाह काम भी संवारेंगे और अल्लाह ताला आपको मज़ीद रहमतों से नवाजेंगे। जज़ाकल्लाह। चकाचौंध दुनिया में गुम हो गई थी मगर ये बता दो शर्म सार हूं मैं, लाइल्म के बादल हटा दिए मौला, मुझे अपने दर पे बुला लिए मौला, मुझे अपना बंदा बना लिए मौला।